Assalamu alaikum, dear students. I welcome all of you in ORCC, that is Online Revision Capsule Course. As you all know that we have started online revision of all the subjects. And today, the chapter that I will be discussing with you is Natural Vegetation and Wildlife. It is a very important chapter, not only from the examination point of view, but jo bhi koi exam aap face karoge, competitive exams ki main baat kar raha hu, to questions jo hai na, wo is chapter se puche jayenge. So, without wasting your time, let us start the chapter, Natural Vegetation and the Wildlife. Jo pehli slide maine aap logon ke saath share ki hai, introduction mein, that is, our country is rich in biodiversity with about 47,000 plant species. Agar aap dekhoge India ki jab hum baat karte hain to India is a country which is characterized by great biological diversity. Kehne ka matlab hai ki India mein jis tarah se aapko land mein diversity milegi, jis tarah se aapko इस सॉइल में डाइवर्सिटी मिलेगी, जिस तरह से आपको यहाँ पे लैंग्वेजेस में डाइवर्सिटी मिलेगी या लोगों के कल्चर में यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी मिलेगी. सिमिलरली जब हम यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज के बारे में, तो प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज में भी आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी. एंड इनफैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. एंड यहाँ पे इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में 47,000 प्लांट स्पीशीज आपको मिलेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 15,000 यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स के स्पीशीज पाए जाते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल फाइंड हियर 89,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स. सो इस बात को हम जस्टिफाई करेंगे that India is one of the 12 mega biodiverse countries of the world. तो हम इस बात को कैसे justify करेंगे? ये data इस बात को justify करता है कि that India is among the 12 mega biodiverse countries of the world. इस data से इस जो data है ये इस बात को depict करता है क्या कि यहाँ पे 47,000 plant species वाला पाए जाते हैं, 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पीशीज पाए जाते हैं, देन 89,000 स्पीशीज यहाँ पे एनिमल्स के पाए जाते हैं, एंड ओवर 59,000 स्पीशीज यहाँ पे इंसेक्ट्स के पाए जाते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे 4,000 स्पीशीज जो है ना वो मैमल्स के पाए जाते हैं, एंड 17,000 स्पीशीज यहाँ पे पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म्स के. आर गेटिंग मी एनिमल, यहाँ पे 2,500 स्पीशीज जो है ना वो फिशेज के पाए जाते हैं. सो ये जो डेटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ये इस बात को डिपिक्ट करता है, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है दैट इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. एंड इंडिया जो है ना इट्स अ कंट्री दैट इज करेक्टराइज्ड बाय ग्रेट बायोलॉजिकल डायवर्सिटी. बायोलॉजिकल डायवर्सिटी का मतलब है कि यहाँ पे देयर इज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ. जब हम बात करते हैं यहाँ इंडिया के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं या हम प्लांट या एनिमल स्पीशीज की जब हम बात करते हैं, तो उसके बाद में सेकेंड स्लाइड जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन. तो पहले आपको पता होना चाहिए नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, एंड उसके बाद में क्योंकि चैप्टर इज नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ, सो विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द टर्म्स इन दिस चैप्टर जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे, दैट इज व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन. उसके बाद में दिस एंडेमिक और इंडिजिनस स्पीशीज क्या होते हैं, एक्सोटिक स्पीशीज क्या होते हैं, उसके अलावा मैंने फ्लोरा एंड फाना इनसे रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. इज दैट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं पहले नेचुरल वेजिटेशन से. नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? नेचुरल वेजिटेशन जो है ना इट रिप्रेजेंट्स द प्लांट कम्युनिटी ऑफ एन एरिया दैट हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन.
and that has been left undisturbed for a long period of time. तो बड़ा आप याद रखोगे कि natural vegetation की जब हम बात करते हैं, ये एक area, एक region की plant community को represent करता है. Plant community को रहना depict करता है, जो naturally grow ही है, और human beings का उसमें कोई role नहीं है. And the plants that we are cultivating and the crops that we are cultivating वो भी vegetation ही है, but we can't include them in the natural vegetation. Natural vegetation में वही वाला plants आते हैं जो naturally grow हुआ है, and that has been left undisturbed for a long period of time. तो अगर इससे related question आएगा तो आप यही लिखोगे कि natural vegetation जो है ना, it represents the plant community of an area that has grown naturally without any human intervention. And that has been left undisturbed for a long period of time. बात करते हैं उसके बाद में wildlife की. Wildlife क्या होता है? What is wildlife? तो wildlife की जब हम बात करते हैं, wildlife जो है ना, it represents the animal life of an area that has not been tamed or domesticated. Wildlife में क्या आता है? इसमें वो animals आते हैं जिनको हमने domesticate नहीं किया है. And जिन animals को और हमने domesticate किया है, जिन animals को हमने tame किया है, वो wildlife में नहीं आता है, क्योंकि wildlife जो है ना, ये represent करता है animal life of an area that has not been tamed or domesticated. So ये है natural vegetation and wildlife. इनसे related जो है ना, short answer type question जो है ना, वो exam में पूछे जा सकता है, what is natural vegetation या what is wildlife. उसके बाद में और एक term यहाँ पे लिखी गई है, that is endemic और indigenous species. तो endemic and indigenous species की जब हम बात करते हैं, तो आप याद रखोगे जब हम बात करते हैं endemic species की और indigenous species, ये वो species है, it refers to species which grow within India. वो species जो India में grow हुए हैं, उन species को बोला जाता है endemic species और उनको बोला जाता है indigenous species. तो इससे related भी short answer type question पूछा जा सकता है, what are endemic or indigenous species. उसके बाद में बात करते हैं exotic species की, it refers to species which grow outside India. Exotic species वो species है जो outside India grow हुए है, we call them the exotic species. So this is the difference between the indigenous and the exotic species. Now उसके बाद में flora क्या होता है, it denotes plant plants of a particular region. Flora जो है ना, ये एक particular area के और इस plants को depict करता है. उसके बाद में बात करते हैं fauna जो है, ये denote करता है animals of a particular region. तो ये है कुछ terms जो इस chapter से related आपने याद रखने हैं. Natural vegetation क्या होता है, wildlife क्या होती है, उसके बाद में endemic species या indigenous species क्या होता है, उसके बाद में exotic species क्या होता है, flora and fauna जो है ना, इनसे related जो है ना, short term questions जो है वो exam में पूछे ना पूछे जा सकते हैं. Is that clear? तो ये थे कुछ important terms इस chapter से related, that is natural vegetation and the wildlife. उसके बाद में move on to the next topic जो slide मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे share की है, very important question. Question क्या है, is factors responsible for diversity in flora and fauna kingdom. ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे इंडिया में आपको huge diversity मिलेगी, इंडिया में huge diversity बना पाई जाती है flora and fauna kingdom में. I mean to say plants and animals में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा diversity पाई जाती है. This जो मैंने आपको starting में ही आपके साथ मैंने discuss किया कि इंडिया जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा biological diversity है. हम मैंने आप लोगों के साथ है ना data भी share किया कि यहाँ पे कितने animals की species है, insects के कितने species है, fishes के कितने species है यहाँ पे, angiosperms के कितने species है यहाँ पे, mammals के यहाँ पे कितने species है. Is that clear? तो यहाँ पे आप देखोगे अब हमने discuss करना है कि कौन से factors responsible है जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी आपको मिलेगी फ्लोरा एंड फाना किंगडम में. आई मीन से यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी इन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स. तो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल. पहला जो है दैट इज रिलीफ.
रियाना रिलीफ में जो पहला माना पॉइंट हमने डिस्कस करना है दैट इज लैंड. अगर आप देखोगे लैंड के ऊपर आपको डिफरेंट रिलीफ फीचर्स मिलेंगे. आपको लैंड के ऊपर कहीं पे हिल्स मिलेंगे, कहीं पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं पे आपको वाटर बॉडीज मिलेंगे. और आप प्लेन एरियाज कहीं पे पाए जाते हैं, प्लेट्यूज पाए जाते हैं, आईलैंड पाए जाते हैं, डेजर्ट एरियाज पाए जाते हैं. तो इनमें नेचुरल वेजिटेशन जो है ना, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है ना डिफरेंट पाई जाती है. इज दैट क्लियर? तो बात करते हैं हम पहले लैंड के बारे में. तो लैंड जो है ना इन माउंटेनियस प्लेटो एंड प्लेन द वेजिटेशन इज डिफरेंट. आप देखोगे माउंटेनियस एरियाज के ऊपर आपको डिफरेंट वेजिटेशन मिलेगी, प्लेटो एरिया जो है उसके ऊपर आपको डिफरेंट वेजिटेशन मिलेगी, या प्लेन एरिया जो है ना उसके ऊपर आपको डिफरेंट है ना वेजिटेशन मिलेगी. इनफैक्ट जब हम प्लेन एरियाज की बात करते हैं तो प्लेन एरिया जो है दे आर स्पेशली डिवोटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द डिफरेंट क्रॉप्स, क्योंकि वहां पे फर्टाइल सॉइल पाई जाती है. तो वहां पे क्रॉप्स जो है ना वो कल्टिवेट किए जाते हैं. तो आप देखोगे प्लेन एरिया इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया कि प्लेन एरियाज के ऊपर क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं. व्हाइल एज ग्रासलैंड्स एंड वुडलैंड जो है ना ये डेवलप हुआ है इस माउंटेनियस एरियाज के ऊपर एंड गिव शेल्टर टू द वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो बोरा आपको पता ही है कि जो वाइल्ड लाइफ की जो हम बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ का जो नेचुरल हैबिटेट है, वाइल्ड लाइफ का जो नेचुरल हैबिटेट है वो है फॉरेस्ट्स. आर यू गेटिंग मी? तो ना बात करते हैं हम माउंटेनियस एरियाज के ऊपर आपको घना ग्रासलैंड्स मिलेंगे. माउंटेनियस एरियाज के ऊपर आपको ना वुडलैंड पाया जाता है या ट्रीज वहां पे पाए जाते हैं. एंड वही ग्रासलैंड्स एंड वही वुडलैंड जो है ना माउंटेनियस एरियाज के ऊपर शेल्टर प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड लाइफ को, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का जो नेचुरल हैबिटेट है वो है फॉरेस्ट्स. Are you getting me? तो कहने का मतलब है कि माउंटेनियस एरियाज के ऊपर आपको डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन मिलेगी. वाइल जब हम प्लेन एरियाज की बात करते हैं तो प्लेन एरियाज के ऊपर उन एरियाज को डिवोट किया जाता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द डिफरेंट क्रॉप्स. देन उसके बाद में सॉइल की जब हम बात करते हैं तो सॉइल जो है ना ये प्रोवाइड करती है बेसिस फॉर द ग्रोथ ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन. दिस सॉइल जो है ना ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो जिस सॉइल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर ग्रोथ जो है नेचुरल वेजिटेशन जो है ना वो डिटरमिन करती है. तो आप देखोगे यहां पे आप देखोगे जो सैंडी सॉइल है प्रोवाइड ग्रोथ फॉर द कैक्टस एंड द थॉर्न्स. तो सैंडी सॉइल के ऊपर आपको कैक्टस पाए जाते हैं, तो ना उसके अलावा थॉर्नी वेजिटेशन पाई जाती है. और बात करते हैं डेल्टिक एरियाज के ऊपर तो डेल्टिक एरिया जो है ना दे सपोर्ट द मैंग्रोव वेजिटेशन. तो सॉइल जो है ना इसका भी इंपैक्ट पड़ता है ऑन द ग्रोथ ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि सॉइल जो है ना ये बेसिस प्रोवाइड करती है फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन. और सैंडी सॉइल जो है ये सैंडी सॉइल के ऊपर कैक्टस पाया जाता है और उसके अलावा थॉर्नी बुशेस पाए जाते हैं. व्हाइल एज व्हेन वी टॉक अबाउट द डेल्टिक एरियाज, द डेल्टिक एरिया जो है दे सपोर्ट द मैंग्रोव वेजिटेशन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, उसके बाद में अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज द क्लाइमेट. क्लाइमेट का भी इंपैक्ट पड़ता है ऑन द ग्रोथ ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन. तो क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं जो कैरेक्टर है और इसके अलावा जो एक्सटेंट है वेजिटेशन का एक पर्टिकुलर एरिया में वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर. आर यू गेटिंग मी? द कैरेक्टर एंड द एक्सटेंट जो है वेजिटेशन का एक पर्टिकुलर एरिया में वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के अलावा ह्यूमिडिटी के ऊपर एंड वो डिपेंड करता है प्रेसिपिटेशन के ऊपर इन एन एरिया. एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन वेजिटेशन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग जोन्स. ठीक है, तो आप देखोगे वेजिटेशन जोन जो यहाँ पे है लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल जोन्स वेजिटेशन जोन्स है. तो ट्रॉपिकल वेजिटेशन की जब हम बात करते हैं तो ये पाया जाता है टेम्परेचर रेंज क्या है उसके लिए दैट इज अबाउट 24 डिग्री सेल्सियस. व्हाइल एज जब हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन्स की तो वहां पे आप देखो टेम्परेचर रेंज है वो है 17 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस. और इसके अलावा टेम्परेट वेजिटेशन की जब हम बात करते हैं तो वहां पे टेम्परेचर जो है वो रेंज करता है 7 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद में अल्पाइन वेजिटेशन की जब हम बात करते हैं तो वहां पे टेम्परेचर जो है ना रेंज करता है यहां बोलेंगे सिंपली बिलो 7 डिग्री सेल्सियस. तो यहां पे वेजिटेशन जोन्स और ये किन टेम्परेचर में जो है थ्राइव करता है, किन टेम्परेचर में ये ग्रो करता है. तो टेम्परेचर यहां इनके लिए टेम्परेचर रेंज है वो दिया गया है. ट्रॉपिकल वेजिटेशन जो है वो ग्रो करती है अबाउट 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में.
Whereas when we talk about the subtropical vegetation, wo grow karti hai 17 degree Celsius temperature to 24 degree Celsius. Temperate vegetation ki jab hum baat karte hai, temperature jo hai wo range karta hai 7 degree Celsius to 17 degree Celsius. Whereas when we talk about the alpine vegetation, wo range karti hai, or we can say below 7 degree Celsius tana temperature mein. Is that clear? To this climate mein temperature ka humne yahan pe dekha. Uske baad mein mera next slide jo maine aapke sath share ki, that is photo period. Photo period का मतलब होता है duration of sunlight. Duration of sunlight जो ना उसका भी impact पड़ता है on the growth of the natural vegetation. Are you getting me? और आप यहाँ पे देखेंगे, it is the effect of sunlight on the growth and development of the plant life. ठीक है? Photo period की हम बात करेंगे. Photo period का मतलब होता है impact of this sunlight, या we can say ना this जो duration है sunlight का, वो भी एक important role play करता है in the development of the plant life. ठीक है? In the development of the plant life. और duration जो है sunlight का, वो आपको मिलेगा डना different. और वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? वो लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, वो अल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, इसके अलावा उस सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, और ड्यूरेशन ऑफ डे के ऊपर वो डिपेंड करता है. आर यू गेटिंग मी? आई मीन टू से, जब हम सनलाइट की ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो लैटिट्यूड्स की जब हम बात करते हैं, अगर आप ट्रॉरिड जोन की बात करोगे, जिसके ऊपर सन की रेस डायरेक्ट पड़ती है, वर्टिकल पड़ती है, तो वहां ड्यूरेशन जो है सनलाइट का वो ज्यादा होता है, तो वहां पर नेचुरल वेजिटेशन जो है वो ज्यादा ग्रो करेगी. इसके अलावा हायर अल्टीट्यूड्स की जब हम बात करते हैं, तो हायर अल्टीट्यूड्स में ड्यूरेशन जो है सनलाइट का वो कम होता है, तो वहां पे आप देखोगे स्पेशली जब हम अपर रीच की बात करेंगे, तो आप अदरवाइज माउंटेनियस एरियाज के ऊपर नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है अबेंडेंस में, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द अपर रीच माउंटेनियस एरियाज की जब हम बात करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द इंटेंसिव कोल्ड क्लाइमेटिक अपर रीच के ऊपर नेचुरल वेजिटेशन जो है ना वो उतनी नहीं पाई जाती है, स्पार्स वेजिटेशन वहां पे पाई जाती है. इसके अलावा आना सीजन, आना विंटर सीजन में ड्यूरेशन जो है सनलाइट का वो कम होता है एज कंपेयर टू द समर सीजन. एंड इसके अलावा ना देन वी आर हैविंग ड्यूरेशन ऑफ डे. ठीक है ना? दिस ड्यूरेशन जो है दिस कभी दिन जो है दिस बड़े होते हैं. ठीक है? समर्स में तो उस टाइम ड्यूरेशन सनलाइट का ज्यादा होगा, विंटर्स में दिन छोटे होते हैं तो ड्यूरेशन जो है सनलाइट का वो कम होता है. ठीक है ना? इसके अलावा आप देखोगे ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर. तो समर्स में ड्यूरेशन जो है सनलाइट का वो ज्यादा होता है, तो समर्स में ट्री जो है वो ज्यादा ग्रो करते हैं. व्हाई सो? इट इज बिकॉज ऑफ द ड्यूरेशन जो है सनलाइट का समर्स में वो ज्यादा होता है, इसलिए ट्री ज्यादा ग्रो करते हैं. ट्री जो वो ग्रो करता है फास्ट रेट इन समर्स एज कंपेयर टू व्हाट? विंटर. तो ये था इंपैक्ट ऑफ फोटो पीरियड ऑन द ग्रोथ ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन. उसके बाद में प्रेसिपिटेशन की हम बात करते हैं. प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल. तो रेनफॉल की जब हम बात करते हैं, मैक्सिमम रेनफॉल इंडिया में जो है वो रिसीव गिरती है यहां पर इंडिया में, especially during the monsoon season, जिसको बोला जाता है season of advancing monsoons भी, और इसके अलावा retreating monsoon season में, especially जब हम monsoon season की बात करेंगे, तो इंडिया में 80% rainfall जो है ना वो record की जाती है during the monsoon season या in the season of advancing monsoons. और ये season जो है ना ये रहता है जून से लेकर सितंबर तक. तो जून से लेकर सितंबर तक इंडिया में 80% rainfall जो है वो record की जाती है. तो बाकी जो है ना 4 months में only 20% रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, वायरलेस मॉनसून सीजन जो है ना उसमें 80% रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड की जाती है. तो कहने का मतलब है कि मैक्सिमम रेनफॉल इंडिया में रिकॉर्ड की जाती है इधर ज्यूरिंग द टाइम ऑफ द सीजन ऑफ एडवांसिंग मॉनसून या रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन में. तो इसके अलावा एरिया हैविंग हाई रेनफॉल हैव एंड अ डेंस वेजिटेशन. तो जहां जिन एरियाज में ज्यादा बारिश गिरती है वहां पे डेंस वाला वेजिटेशन पाई जाती है. स्पेशली आपने सुना होगा दिस इज इंडियन पेनिनसुला. तो वेस्टर्न घाट्स के ऊपर बारिश ज्यादा गिरती है क्योंकि वहां पर मॉनसून विंड्स पहले स्ट्राइक करते हैं. नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मेघालय में वहां पे जो है ज्यादा वेजिटेशन ग्रो करते हैं क्योंकि उन एरियाज में बारिश ज्यादा जो है वो रिकॉर्ड की जाती है. तो कहने का मतलब है कि जिन एरियाज में दोज रीजन्स इन इंडिया विच रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल, तो वहां पर ज्यादा नेचुरल वेजिटेशन जो है ना वो ग्रो करती है. तो ये थे फैक्टर्स जो है अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन. इज दैट क्लियर? उसके बाद में मूव ऑन करता है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स. फॉरेस्ट्स की इंपॉर्टेंस की जब हम बात करते हैं, तो फॉरेस्ट जो है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है?
फॉरेस्ट्स की इंपॉर्टेंस की जब हम बात करते हैं तो आपने याद रखना है कि फॉरेस्ट जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना, इन आर डे टू डे लाइफ। खाली हमारी डे टू डे लाइफ में ही नहीं बल्कि आप देखो कि बहुत सारे कम्युनिटी जो है उनका जो सर्वाइवल है, उनकी उनकी जो सस्टेनेंस जो है वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। इतना ही नहीं बल्कि फॉरेस्ट जो है ना दे मॉडिफाई द क्लाइमेट, फॉरेस्ट जो है ना ये लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं, आई मीन टू से क्लाइमेट को ही चेंज करते हैं। जहां पे आपको नेचुरल वेजिटेशन ज्यादा मिलेगी ना उन एरियाज में वी आर हैविंग द मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस, वी आर हैविंग द कंजीनियल क्लाइमेटिक कंडीशंस इन दोज एरियाज, इन दोज रीजंस वी आर हैविंग मोर नेचुरल वेजिटेशन। सो सिंपली वी कैन से कि फॉरेस्ट जो है दे मॉडिफाई द दिस लोकल क्लाइमेट। उसके बाद में कंट्रोल सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं क्योंकि प्लांट्स के जो रूट्स है ना ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं तो ये सॉइल को होल्ड एंड बाइंड करके रखते हैं एंड देयर बाय प्रिवेंट द सॉइल इरोजन और वी कैन से प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम गेटिंग इरोडेड। उसके बाद में प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मेनी स्पीशीज एंड कम्युनिटीज, बहुत सारे स्पीशीज जो है ना उनका उनका जो सर्वाइवल है वो डिपेंडेंट है फॉरेस्ट के ऊपर। बहुत सारे स्पीशीज एंड बहुत सारे कम्युनिटी जो है ना उनको ये लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, आई वुड से दे आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड फ्रॉम द फॉरेस्ट्स, ठीक है ना। बहुत सारे स्पीशीज और इसके अलावा बहुत सारे दिस कम्युनिटीज स्पेशली जब आप दिस ट्राइबल्स की हम बात करते हैं, ठीक है ना, ट्राइबल कम्युनिटीज की हम बात करेंगे। उसके बाद में प्रोवाइड सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन, फॉरेस्ट जो है ना ये सीनिक व्यू प्रोवाइड करते हैं रिक्रिएशन के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो है ना सैर तफरीक के लिए और फॉरेस्ट जो है जहां पे ट्रीज ज्यादा पाए जाते हैं स्पेशली माउंटेनस एंड फॉरेस्ट एरियाज में, तो वहां पे वो लोग जाते हैं सैर तफरीक के लिए रिक्रिएशन के लिए एंड जब वो वहां पे जाते हैं तो वो क्या करता है वो टूरिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है ना। उसके अलावा फॉरेस्ट जो है ना सपोर्ट वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है जिनको हम बोलते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जो अपना रॉ मटेरियल डिराइव करते हैं किससे, फॉरेस्ट से। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है वो अपना रॉ मटेरियल डिराइव करते हैं फॉरेस्ट से, वी कॉल देम द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो फॉरेस्ट जो है ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है। इसके अलावा प्रोवाइड मेडिसिनल हर्ब्स, फॉरेस्ट जो है ये हमें मेडिसिनल हर्ब्स भी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स आपको मिलेंगे जिनका दिस मेडिसिनल वैल्यू है या जो हमें हर्ब्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा फॉरेस्ट जो है ये जो है पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा दे हेल्प इन काजिंग रेन, ठीक है ना, तो नॉइज पोल्यूशन को भी कंट्रोल करते हैं क्योंकि ये साउंड एब्जॉर्बर्स है, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लॉन्ग अर्थ टाइप क्वेश्चन, एक्सप्लेन या द रोल ऑफ फॉरेस्ट्स या वी कैन से डिस्क्राइब इन डिटेल द इंपॉर्टेंस आर रोल ऑफ फॉरेस्ट्स, इज दैट क्लियर। उसके बाद में मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, दैट इज टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की जब हम बात करते हैं तो यहां पे आप देखोगे पहला जो है दैट इज फर्स्ट जो है दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद में नाउ द सेकंड वन इज ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। उसके बाद में थर्ड वन जो है दैट इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है, और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और थॉर्न फॉरेस्ट और श्रब्स जिनको बोला जाता है। उसके बाद में फोर्थ वाला जो है दैट इज माउंटेन फॉरेस्ट। उसके बाद में फिफ्थ वाला जो है दैट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की तो इंडिया में जो डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, देन वी आर हैविंग ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, देन थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स, एंड उसके बाद में वी आर हैविंग द माउंटेन फॉरेस्ट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट that is the mangrove forests. Now we'll be discussing these types of vegetation one by one, starting first with the tropical evergreen forests. इनसे related exam में question आएगा long answer type question जो इन topic से related पूछा जाएगा, या इनसे related long answer type question भी आ सकता है, इसके अलावा short answer type question जो है ना वो भी आ सकता है। So slide में आपके साथ पहला share करता हूं that is tropical evergreen forests. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स की जब हम बात करते हैं पहले आपने याद रखना है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ना ये इंडिया के उन एरियाज में पाए जाते हैं विच रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल।
जिन एरियाज में, जिन रीजन्स में more than 200 centimeters ऑफ रेनफॉल जो है ना वो रिकॉर्ड की जाती है, उन एरियाज में पाई जाती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, ठीक है ना, found in the areas having rainfall more than 200 centimeters. Is that clear? Now the question arises ki ye kahan pe paaye jaate hai, un areas ka aapne naam bolna hai, un regions ka aapne naam bolna hai jahan pe tropical evergreen forests paaye jaate hai. To ye un areas mein, un regions mein paaye jaate hai jahan pe more than 200 centimeters of rainfall jo hai wo annually record ki jati hai. To kahan kahan pe to more than 200 centimeters of rainfall annually record ki jati hai, wo hai western slopes of the Eastern Ghats, okay? I'm sorry, Western slopes of Western Ghats. उसके बाद में second वाला जो है, that is North Eastern states, ठीक है? Especially यहाँ Meghalaya, Cherrapunji area. Then we are having जो India के दो island groups है, that is Andaman and the Nicobar Islands, which are located in the Bay of Bengal. And then we are having the Lakshadweep Islands, Lakshadweep group of islands, which are located in the Arabian Sea. तो ये जो है, ये regions है. जो ये एरियाज है जहां पे पाया जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, एंड देन वी आर हैविंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, देन वी आर हैविंग द टू आइलैंड ग्रुप्स, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड देन वी आर हैविंग द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. इनमें पाया जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स. तो ये जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ना, दे कैन नाना रीच अप टू द हाइट ऑफ 50 meters, ठीक है ना. ये जो जब हम इन प्यारा फॉरेस्ट्स की बात करते हैं, दे कैन अटेंड द हाइट ऑफ 50 meters, एंड ट्रीज जो है इतने टाल होते हैं, इतने थिक एंड इतने डेंस होते हैं कि सनलाइट जो है ना, दे कैन सनलाइट जो है ना, इट हार्डली पेनिट्रेट द अर्थ सरफेस, एंड दे लुक्स लाइक ए ग्रीन कार्पेट व्हेन व्यूड फ्रॉम अबो. जब आप इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स के ऊपर से देखते हो ना, तो लगता है कि किसी ने ग्रीन कार्पेट बिछा दी है. ट्रीज इतने टाल है, ट्रीज जो है इतने थिक है, इतने डेंस है कि सनलाइट जो है ना, that hardly penetrates the earth's surface. Are you getting me? So trees are, they can attain the height of what? 50 meters. उसके बाद में, since the region is warm, तो ये उन्हीं एरियाज में पाए जाते हैं जहां जो जहां पे जो रीजन है जो है ना जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है. इसके अलावा वेट मीन्स वहां पे बारिश भी बहुत ज्यादा गिरती है थ्रू आउट द ईयर. इट हैज लग्जूरियंट वेजिटेशन, मीन्स लग्जूरियंट का मतलब होता है ये जो है ना, ये जो है इन ट्रीज की जब हम बात करते हैं, दे रिमेन एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर. लग्जूरियंट का मतलब होता है लश ग्रीन रहते हैं ये. व्हाई दे रिमेन लश ग्रीन दिस थ्रू आउट द ईयर? बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ द हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होता है, इसके अलावा रेनफॉल भी बहुत ज्यादा गिरती है, तो पूरे साल ये लश ग्रीन रहता है. और जब हम इन बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, ट्री जो है ना, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स, वो अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं, इसीलिए दे रिमेन एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर. ये पूरे साल एवरग्रीन रहते हैं, क्योंकि ट्री जो है ना, वो अपने ट्री ना लीव्स को शेड नहीं करते हैं. सो दैट्स व्हाई दे रिमेन एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर. उसके बाद में बात करते हैं इसमें जो कॉमन स्पीशीज ऑफ ट्रीज जो पाए जाते हैं इनमें, वो है एबोनी, ठीक है ना. उसके बाद में देन वी आर हैविंग महागुनी, देन रोजवुड, रबर, एंड इसके अलावा सिंचोना जो है, ये कॉमन स्पीशीज ऑफ ट्री जो है जो पाए जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में. देन वी आर हैविंग इसमें जो एलिफेंट्स पाए जाते हैं, आई एम सॉरी, इसमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं उसमें नंबर वन एलिफेंट्स पाए जाते हैं, उसके अलावा मंकी पाया जाता है, डेयर पाया जाता है, वन हॉर्न राइनोसोर जो है ना वो पाया जाता है. इज दैट क्लियर? तो ये है डिफरेंट स्पीशीज प्लांट्स के और इसके अलावा एनिमल्स के जो पाया जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में. इज दैट क्लियर? सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन अल्लाह हाफिज़.